जैश ए मोहम्मद सरगना मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने की कोशिश में अड़ंगा लगाने वाला चीन खूंखार आतंकी संगठनों को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। बता दें कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद आतंकवाद और उसे समर्थन देने वाले देशों को अलग थलग करने के मकसद से तैयार एक रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। दरअसल आतंकी संगठनों के खात्मे के लिए जब पूरी दुनिया एक साथ आगे आ रही है, लेकिन चीन बड़ी सफाई से उसी आतंकी संगठन का इस्तेमाल अपना किला मजबूत करने के लिए कर रहा है। खबर के मुताबिक चीन सिर्फ जैश ए मोहम्मद ही नहीं बल्कि तहरीके तालिबान, पाकिस्तान का सहयोग, चोरी छिपे मदद लंबे समय से कर रहा है। साथ ही चीन अफगानिस्तान में तालिबान का भी सहयोग कर रहा है। खबर के अनुसार अफगानिस्तान में भारत और अमेरिका के दखल को संतुलित करने की साजिश के तहत चीन की ओर से तालिबान की भरपूर मदद की जा रही है। इसके साथ ही टीटीपी और जैश के पाकिस्तान और कश्मीर विरोधी एजेंडे को अपने नियंत्रण में रखने के लिए भी चीन लगातार खुफिया चाल चल रहा है। बता दें कि ताजा खुफिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि चीन सामरिक और कूटनीतिक स्तर पर आतंकवाद का इस्तेमाल कर एक तीर से कई शिकार करने की रणनीति पर काम कर रहा है। चीन अपने उत्तर पश्चिम के शिंजियांग प्रांत में उइगर मुस्लिम को काबू में रखने के लिए जैश और टीटीपी के हर स्तर पर मदद कर रहा है। इसके अलावा चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए भी जैश की सहायता ले रहा है। गौरतलब है कि सीपीईसी चीन के शिंजियांग से शुरू होकर अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा और पीओके से गुजरता है। जहां से आतंकी संगठन खासे सक्रिय हैं और इसीलिए चालबाज चीन पाकिस्तान की सरपरस्ती में पल रहे मसूद अजहर जैसे आतंकियों पर कार्रवाई से आंखें मूंद रहा है। आपको बता दें कि पुलवामा आतंकी हमले और बालाकोट में जैश के ठिकानों पर कार्रवाई के बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की चीन यात्रा के दौरान आतंकवाद के स्टेट पॉलिसी के तहत इस्तेमाल पर नए सिरे से बातचीत हुई थी, लेकिन ऐसे देशों को बेनकाब करने के लिए चीन ने अपनी तरफ से कोई आश्वासन नहीं दिया था। साथ ही भारत को पहले से भी आशंका थी कि यूएन में मसूद अजहर के मामले में चीन एक बार फिर अपनी वही पुरानी नीति अपनाएगा। हालांकि चीन पहले ही इस मामले में अपने वीटो का कारण तकनीकी बता रहा हो, लेकिन इसके पीछे चीन की बड़ी सोची समझी चाल है और भारत को चीन की ऐसी चालों का जवाब देने के लिए आने वाले समय में हर वक्त तैयार रहना होगा, जिससे पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी दुनिया के सामने बेनकाब किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।